नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको पता है कि मैं नेशनल मेरिट मीन स्कॉलरशिप 2019 एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज विज्ञान एंड साइंस का वीडियो नंबर 7 रहेगा। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियो है। इस वीडियो के आई बटन में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाने पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? ए पीयूष, बी आउटू, सी अग्नाशय, डी एड्रेनल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अग्नाशय, यानी अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन अंतःस्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड नामक रोग होने की संभावना रहती है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम या सभी? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक, एंजाइम, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है ए लोहे, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी नमक। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आयोडीन। संकटकालीन हार्मोन है ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी एडनिल, डी पैराथार्मोन यानी एडनिलिन। पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा 4। रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन, एडेनिन हार्मोन, थायरोक्सिन। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा पैराथायराइड हार्मोन। मछली के हृदय में होते हैं एक आलिंद एक नीले, एक आलिंद दो नीले, दो आलिंद दो एक नीले, दो आलिंद एक दो नीले। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन एक आलिंद एक नीले। आयरोटोपिक योजक जोड़ी है पी सी जो है एम एफ बी के मध्य, राइप्लोरी जो है एवम के मध्य, एवी जो है मेमोलिया के मध्य, एम पी बी है रेड पोलिंग के मध्य। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन रेड पोलिया है एवीज के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्त का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क, डार्विन, हागोडी ब्रिज, मेंडल। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा हागोडी ब्रिज। व्हेल के अपग्रह क्या कहलाते हैं? फ्लिपर, हाथ, पंख और पैर। तो दोस्तों, राइट आंसर फ्लिपर। सर्वाधिक विकसित वर्ग है पीसीज, एविज, रेप्टोलिया, मेमोलिया। तो दोस्तों, राइट आंसर रेप्टोलिया। निम्न से समझाता अंग का जोड़ा है पक्षी के पंख, मनुष्य का हाथ। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से समवर्ती अंग का जोड़ा है कीट के पंख, पक्षी के पंख। तो दोस्तों, ये थे 15 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप इनको पूरा याद कर लीजिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी दबा दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद दोस्तों।